नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति पर चर्चा बिहार में तेज हो गई है। सवाल यह है कि कौन कहां से प्रत्याशी बनेगा। हम आपको बता दें, दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा थी सबसे पहले जब संजय झा महागठबंधन के साथ थे, तब ये चर्चा हो रही थी यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, संजय झा लड़ेंगे या फिर मोहम्मद फातमी लड़ेंगे या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़ेंगे। ये चर्चा थी कि राजद अपना सीट नहीं छोड़ रही है, इसलिए नीतीश कुमार ने संजय झा को राज्यसभा भेज दिया है। अब वो राज्यसभा होगी। इसके बाद दरभंगा सीट पर जो विवाद और जीत चल रही थी वो खत्म हो गई। लेकिन इसी बीच मोहम्मद अनसर फातमी ने अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा से नहीं लड़ेंगे, यानी कि वो दरभंगा से लड़ना नहीं चाहते। चाहे मुद्दे कोई भी हो, उनके पास आर्गूमेंट्स कई हैं, उनके पास तर्क कई हैं कि वो क्यों नहीं दरभंगा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मधुबनी से अवश्य लड़ना चाहते हैं। मधुबनी से लड़ने के पीछे उनकी दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो बिंदु है, वो ये है कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में उनका जो क्षेत्र है क्योंकि वो क्षेत्र आता है, दूसरा जाली, ये दोनों लोकसभा के क्षेत्र में आते हैं और ये दोनों मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और ये दोनों में पहले से भी उनके पुत्र विधायक के रूप में डॉक्टर फराज फातमी वहाँ विधायक रह चुके हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर शकील अहमद, जो कि पहले कांग्रेस में थे और उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो उसके बाद उनकी भी नज़र है। हालांकि अभी मधुबनी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मोहम्मद अली सर फातमी सीधा कहते हैं कि वो मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब तर्क समझिए, अभी राष्ट्रीय जनता दल के सूत्र बताते हैं कि मोहम्मद अली सर फातमी का कोई नाम की चर्चा मधुबनी में भी नहीं है, दरभंगा में तो नहीं है लेकिन मधुबनी में भी नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि फातमी ने सीधा कह दिया कि वो मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे, दरभंगा से नहीं लड़ेंगे। यानी संजय झा जब तक थे तब तक ये कयास लगाए जा रहे थे, संजय झा के जाने के बाद दरभंगा सीट खाली पड़ी हुई है, दरभंगा में कोई तैयार नहीं हो रहा है, जो तैयार हो रहे उसे सक्षम माना नहीं जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात हो रही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में कहा जा रहा है उनको कार्यकर्ता नेता बहुत पहचान नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से पिछली बार चुनाव में लोकसभा में यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी मधुबनी चुनाव लड़े थे तो बद्री पूर्वे खड़े थे और एक और प्रत्याशी खड़े होने की वजह से, जो शकील अहमद कहने की वजह से, फिर इनको चुनाव में हारना पड़ गया था। तो इसलिए अभी दरभंगा में एक उम्मीदवार का जो नाम आ रहा है वो अगर सूत्र बता रहे हैं कि ललित यादव, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक लगातार रहे हैं, पहले मनीगाची से, अब सदर से, ग्रामीण क्षेत्र से रहे हैं, तो ललित यादव के नाम की चर्चा आजकल जोर शोर से है। ललित यादव इस बार जो पटना में जो आयोजित थी महारैली, उसमें अपने क्षेत्र के काफ़ी संख्या में लोगों को जुटाने का भी प्रयास उन्होंने किया था। अब ललित यादव अगर दरभंगा से चुनाव लड़ते हैं तो ये बात होगी कि एक चेहरा सामने आया, लेकिन अभी दूसरा और कोई उम्मीदवार सामने नहीं आता है, क्योंकि मोहम्मद अली सर फातमी ने साफ मना कर दिया कि वो दरभंगा से नहीं लड़ेंगे। लेकिन पहले एक नाम और आ रहा था, वो कीर्ति आज़ाद का। ये कहा जा रहा था कीर्ति आज़ाद दरभंगा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में ये भी आ गई कि कीर्ति आज़ाद को दरभंगा से सीट नहीं मिल सकता, इसलिए कीर्ति आज़ाद अब फिर एक बार पश्चिम बंगाल की तरफ ही उनका ध्यान है और उन्हें वहाँ से ऑफर भी मिल रही है कि कीर्ति आज़ाद पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ेगी। कीर्ति आज़ाद का ये भी कहना था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी कोई बात नहीं हुई है और अभी कांग्रेस से भी कोई बात नहीं हो पा रही है, इसीलिए दरभंगा से कीर्ति आज़ाद का भी नाम कट गया। यानी अब सहें तो दरभंगा से मोहम्मद अली सर फातमी, कीर्ति आज़ाद जो नामों पर चर्चा थी वो दोनों नाम कट गए हैं। अब एक नाम आ रहा है ललित यादव का। इसके बाद दरभंगा की जनता पूरी तरह पूछने लगी है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो दरभंगा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े, क्योंकि ललित यादव मंत्री रह चुके हैं, विधायक है, विधायक के रूप में उनका क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह उनका क्षेत्र है। तो इस परिस्थिति में अब चर्चा हो रही है कि आखिर दरभंगा सीट, क्योंकि ये सभी जानते हैं दरभंगा और मधुबनी सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में है, पहले मधुबनी कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन अब दरभंगा और मधुबनी दोनों कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के खाते में है और राष्ट्रीय जनता दल को अभी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि मधुबनी में गुलाब यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन गुलाब यादव अभी तक राष्ट्रीय जनता दल से किसी तरह की सहमति नहीं मिली है। इसी तरह मधुबनी से मोहम्मद अली अशरफ फातमी को भी राष्ट्रीय जनता दल से किसी तरह का सहमति नहीं है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी के सूत्रों का मानना है कि वो अभी भी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड भी उनका अगर कुछ करेगी तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेगी। यानी कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी का राज्यसभा जाने का भी सपना जहाँ टूटा, वहीं अब कहीं से लोकसभा के टिकट के लिए उम्मीदवारी के रूप में खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई दल उन्हें हरी झंडी नहीं दिखा रही है।
जिससे वो परेशान है। हालांकि वो दिल्ली में वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से अगर कोई वार्ता होगी, क्योंकि पटना में वार्ता फाइनल नहीं हो पाया, इसलिए वो अभी दिल्ली में है। दिल्ली में सारी बातें होने के बाद दो दिनों के बाद, यानी कि अगर सूत्र बताते हैं 10 तारीख तक, आज आपको 6 तारीख 7 तारीख हो गया, यानी कि दो दिन के बाद सीटों का बंटवारा महागठबंधन में तय होगा। तब मालूम पड़ेगा कि दरभंगा और मधुबनी से कौन उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने तय किए हैं। तब तक ललित यादव का नाम आगे चल रहा है। देखिए बिहार मीडिया न्यूज़ पर, क्योंकि पॉलिटिकल से जुड़े बिहार अपडेट खबर हम आपको दिखाएंगे। यूट्यूब में भी सर्च करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।